मंत्र जप के दौरान प्रायः ज्यादातर साधक यह सोचते हैं कि नेत्र खोलकर जप करें या नेत्र बंद करके जप करें, तो इसका अभिप्राय क्या है, जो कि बड़ी विशेष सोचने वाली बात है। क्योंकि चाहे साधक गायत्री मंत्र का जप करता है या नियमित रूप से किसी प्रकार का मंत्र या साधना करता है, माला जप करता है, तो कुछ लोग आंखें खोल करके जप करते हैं, कुछ आंखें मूंद करके करते हैं, कुछ लोग बीच बीच में नेत्र खोल के और इस प्रकार से जप करते हैं। इसका सही मायना, सटीक जो इसका भावार्थ है, वो ये है कि विशेष रूप से देवी देवता का जप नेत्र बंद करके ही किया जाना चाहिए, क्योंकि नेत्र बंद करने के पश्चात ही हमारी एकाग्रता उस देवता उस मंत्र की तरफ रहती है। और जब मन एकाग्र होगा तो स्वतः ही हमारे मंत्र जप का प्रभाव तरंगों के माध्यम से उन देवी देवताओं तक पहुंचता है, तत्पश्चात उनके द्वारा प्रतिफल हमें उसका फल प्राप्त होता है। इसलिए ये अति आवश्यक है कि इसका निरंतर अभ्यास किया जाना चाहिए। शुरुआती समय में साधक नेत्र बंद करके या नेत्र खोल के जप करता है, धीरे धीरे अभ्यास करके साधक को चाहिए कि वह अपना नेत्र बंद रखने का प्रयास करे और देवता की छवि अपने हृदय चक्र में स्थापित करे, जिससे कि हमें एकाग्रता और ध्यान विशेष रूप से उस देवता का लग जाता है। और जब पूर्ण रूप से एकाग्रता से ध्यान लगेगा, तब ही हम उस देवता की कृपा प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए विशेष रूप से इसके अभ्यास के लिए व्यक्ति को, साधक को चाहिए कि वह बिंदु त्राटक का अभ्यास करे, और बिंदु त्राटक का अभ्यास करते करते ही स्वतः ही एकाग्रता आने लग जाती है। क्योंकि जिन व्यक्तियों का एकाग्रता भंग हो रही है, तो उन्हें त्राटक का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने से एकाग्रता आती है। उसके पश्चात में जिस भी किसी देवी देवता की आप उपासना करते हैं, चाहे प्रातःकाल में करें, चाहे आप रात्रिकाल में देवी उपासना करते हैं, मंत्र जप करते हैं, माला जप करते हैं, तो आपका साधना में एकाग्रता आएगी, आपका पूर्ण रूप से मन उस मंत्र में लगेगा और ध्यान भटकेगा नहीं। और जब एकाग्रता के साथ आप मंत्र जप करेंगे, उस देवता का ध्यान आपके साथ चलेगा और मंत्र का ध्यान आपके साथ चलेगा, तब ही व्यक्ति को सिद्धि मार्ग में सफलता प्राप्त होती है। और इसका अभ्यास धीरे धीरे हर साधक को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब तक हृदय में उस देवता की छवि स्थापित नहीं हो जाती, तब तक नेत्र साधक खुले रखता है। जब हृदय में स्थापित हो जाएगी, तो उसके पश्चात में आपको आंखें खोलने की आवश्यकता नहीं है, बंद नेत्रों में ही आप ध्यान लगा सकते हैं, मंत्र जप कर सकते हैं।